भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो। संविधान बचाओ समिति भुसावल, इसके सभी मेंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। और इस संविधान बचाओ समिति की जानिब से इसकी ओर से एक महारैली, एक मुक्त मोर्चे का आयोजन तारीख 26 दिसंबर 2019 जुमेरात यानी गुरुवार के दिन सुबह 10 बजे से रजा टावर से शुरू होकर एसडीएम ऑफिस तक ये महारैली, ये मुक्त मोर्चा जो है तो रवाना होगा। तो सभी भुसावल के रहने वाले हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि वो इस महारैली में आकर इस संविधान को बचाने की इस महारैली के अंदर अपने आप को पेश करें और इस रैली को कामयाब बनाएं, ताकि ये जो झूठी सरकार मौजूद है जिसने जो है तो ये काला बिल लाया है और इस काले बिल को लाकर ये जिस तरह से हमारे देश की अखंडता और एकता को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम विवाद को खड़ा करना चाहते हैं, हम इसको जो है तो होने नहीं देंगे। और अगर इस महारैली को हम कामयाब करेंगे तो ये सरकार की समझ में आएगा कि देश जो है तो इस काले कानून को बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहा है और ये संविधान के खिलाफ एक कानून है और हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बिल्कुल भी मिटने नहीं देंगे और उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे। तो आप तमाम से अपील है कि आप इस महारैली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सभी धर्मों के लोगों से गुजारिश है कि आप आइए और हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कल जो यहाँ पर संविधान बचाओ समिति की तरफ से निवेदन किया जा रहा है तो इस दिन के अंदर जो खुशी है पूरी करने के लिए यहाँ पर सभी समाज के सभी देश के लोग जो ये निवेदन दे रहे हैं, इसलिए सभी से विनती है कि सभी लोग समाज के सभी लोग साथ में आकर और भारत के संविधान के तहत ये बिल सभी जाति धर्म समाज के लिए बनना चाहिए, इसके लिए सभी से विनती है कि सभी लोग साथ में जाके और इस निवेदन को दें। संविधान बचाओ समिति रैली से जो रैली का मोर्चे का नियोजन किया है, मैं तमाम भुसावल वासियों से गुजारिश करूँगा कि वो हमारा साथ दें और इस बिल का विरोध करें। और मैं अपने तमाम दुकानदार भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि वो कम से कम मोर्चे के टाइम 10 से 2 बजे तक के अपना कारोबार बंद करके और हमारा साथ दें और इस मोर्चे को कामयाब करें। वालेकुम। कल 10 बजे संविधान बचाओ रैली समिति का आयोजन किया है तो मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जमा हो और अपनी भुसावल शहर की एकता का एक सबूत दो। अभी हमने जुलूस बहुत से काले होंगे लेकिन ये एक अलग मतों का जुलूस है, तो मैं सभी लोगों से विनती और गुजारिश करूँगा और मेरे नौजवान भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि जुलूस हम बिल्कुल शांतता से काटना है और शांतता रखना है। मुख्य मोर्चा है, किसी ने मोर्चा काटते हुए कहा हमने भी बहुत मोर्चे काटे, मोर्चा जब हमारा निकलेगा तो लोगों ने हमारी तरफ देखने लगे क्या मोर्चा शांतता से जा रहा। तो मैं सभी लोगों से विनती और गुजारिश करूँगा कि कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलो, एक दिन की कुर्बानी मोर्चे में दो। अस्सलाम वालेकुम। काले कानून के विरोध में सभी धर्म और सभी पक्ष के माध्यम से कल जुमेरात को 10 बजे ये महारैली मुख्य मोर्चे की शक्ल में निकाली जाएगी। मेरे भुसावल के सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों से गुजारिश है कि इस मोर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाए और ये काला कानून खत्म होने तक ये मोर्चे चलाते रहेंगे। ऐसी संविधान समिति की जानिब से आराम करें।